good morning my dear students this is nagmaya biology teacher and welcome to the skills official youtube channel so students uh, today we are starting a new chapter which is locomotion and movement the chapter 20 uh, chapter number 20 okay so uh, the locomotion if we talk about the locomotion uh, movement is a defined is uh, when organism moves from one location to another location what is movement what is location okay when the person when a particular living organism move to uh, one place to the another we call it movement okay um,

Okay, we call it locomotion. So types of movement. If we talk about the type of movement, there are many kinds of movement. The first we have the ciliary, the second we have the ameboid, the muscular, and are three types of movement. Okay, if we talk about the first one, which is ciliary movement, this type of movement occurs in the organs lined by ciliated epithelium. Means it is uh, it is used to trap dust particles that entered uh, during <coughs> inhalation.

हमारे सिलियेटेडिलियम uh, है वहां पर uh, वो क्या करते हैं उसको ट्रैप कर लेते हैं ठीक है इट ऑल्सो हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ ओवा फ्रॉम द फेलोपियन ट्यूब इन टू यूट्रस मतलब जब ओवा हमारा फेलोपियन ट्यूब में uh, होता है तो वो जब यूट्रस में जाता है शिफ्ट होता है तो ये उस टाइम भी हमारे सिलियरी मूवमेंट वर्क करता है ओके ये आपको दे रखे हैं सीलिया का दे रखा है हमारा स्ट्रक्चर दे रखा है सीलियम हम सिंगल वन को सीलियम बोलते हैं जो हमारे मल्टीपल्स होते हैं उसको हम सीलिया बोलते हैं ठीक है ठीके? जिस so, okay? so, as as तो में लिकोसाइड एंड सो ऑन सो इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व इन अमीबा विच मूव थ्रो दूरपोडिया ये हमारा इसके अलावा अमीबा में अमीबा में भी, भी देखा जाता है जो हमारा सीडोपोडिया के थ्रू अपने

मसल के थ्रू जो है हमारा ई सारी चीजों तो में देखा जा रहा है हमारा फॉर लोकेशन मस्कुलर स्केटल एंड द न्यूरल सिस्टम आर इन्वॉल्व अगर मस्क्युलर मूवमेंट की हम बात करेंगे तो इसमें हमारा कौन कौन इन्वॉल्व होता है हमारा स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है ओके okay, स्टूडेंट Now what is muscles? So muscle are muscle or muscular tissue is mesodermal in nature. I mean, ये क्या होता है mesodermally origin drive होता है origin होता है इसकी and it is a tissue involved in movement of body. ये कैसे tissue है हमारी body के movement में जो हमारे involved होते हैं वो कहलाए जाते हैं. Skeletal muscle, visceral muscle and the cardiac muscle are three main types of muscle. अगर हम muscles के बारे में बात करें तो हमें तीन type के main muscles देखने को मिलती हैं. अगर हम स्केल्टल uh, मसल्स की बात कर रहे हैं स्केल्टल मसल्स आर द वॉलट्री मसल्स मीन्स द अंडर द कंट्रोल ऑफ आर विल जो हमारी इच्छा के अनुसार मसल्स काम करती हैं, जो हमारे हम जब मूव मूव में कराते हैं वो होती है, वो मसल्स जो हैं, हमारी स्केलेटल मसल्स ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर uh, काम करती हैं सो दे आर स्ट्रेटेड मसल दे हैव द करेक्टरिस्टिक क्रॉस अगर इनके पास इनके एक्सट्रक्शन हम देखें तो इनमें का uh, स्ट्रक्चर देखा जाता है तो ये हमारी क्या कहलाई है जाती है? कहला है हैं हमारी स्ट्रेटेड मसल्स कहलाई जाती हैं ओके सो मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स वाया टेंडन्स मसल्स और हमने बात की थी बोन्स टू बोन्स हमारे लिगामेंट्स के थ्रू क्या होते हैं अटैच होते हैं एंड मसल्स टू बोन्स हमारा टेंडन्स के थ्रू अटैच होते हैं यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है एक तरीके का सो दे आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट बॉडी मूवमेंट एंड बॉडी पोस्चर ये हमारे किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे बॉडी मूवमेंट move, के लिए और हम जो पोस्टरिंग कह सकते हैं उसके में हमारे इसका बहुत बड़ा रोल है नाउ स्मूद मसल्स सो स्मूद मसल्स आर ऑल्सो नोन एज असरल मसल्स ठीक है सो दे आर डू नॉट है स्ट्रेशन इनमें जो इनके स्ट्रक्चर में हमारे इनके पास कोई कैरेक्टर नहीं होता है स्ट्रेशन का दे कंट्रोल इन वॉल्ट्री मूवमेंट इन द बॉडी यह हमारी इन वॉल्ट्री मूवमेंट जो होता है बॉडी का उसे कंट्रोल करती है सो दे आर